पाँच साल पहले शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि यहाँ घोषणा की थी मंडी के अंदर आगे टीन शेड जल्दी से जल्दी लगवाऊंगा, लेकिन उसका कोई अमलीजामा नहीं हुआ है, नहीं ही कोई टीन शेड लगा है। रामविलास जी को दो नंबर पर आया है, पिछली बार उन्होंने सराखों पर बैठाया पब्लिक ने, यदि काम करवाते तो शायद अब की बार और सराखों पर बैठाती। नेता यहाँ पर आके बड़ा आश्वासन दे जाते हैं, कभी चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ जीरो। तो किसान के दोहरी मार है, एक तो ऊपर से भगवान मार मार रहा है, दूसरी सरकार मार मार रही है किसानों के ऊपर। तो क्या करे किसान, बिचार कहाँ जाए किसान, परमात्मा के भरोसे ही मंडी। तो सुविधा नाम की यहाँ पर जीरो। लंबा सा पता आपको, 6-7 साल से मंडी लग रही है, नेता आते हैं आश्वासन दे जाते हैं और विकास के नाम पर आपको सब मालूम है। इस मंडी को आबाद किया जाए, नहीं तो ये जनता ये किसान उन नेताओं को बर्बाद करने में समय नहीं लगाएंगे। हर बार कोई न कोई नेता आता है, झूठा आश्वासन दे के चला जाता है। हम ये नहीं कहते कि मंडी के अंदर टीन शेड का ये काम था, सतनाले का कोई विकास किसी भी सरकार आई हो या विकास नहीं होता। कोई भी नेता कोई भी पार्टी जो वादा करे वो बिल्कुल पूरा करे, नहीं तो उसको मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नेता झूठ बोल देते हैं, मैं आपकी बार ये करवा दूंगा, आपकी बार वो करवा दूंगा, आसमान के तारे तोड़कर आपको ला दूंगा जनता को, लेकिन होता कुछ नहीं। लंबा साहब, ऐसी एक देश के अंदर कानून बनने चाहिए कि कोई भी नेता वादा करके जाए वो काम पूरा होना चाहिए, यदि वो नहीं काम पूरा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मंडी है, ये आज़ादी से पहले जब यहाँ पेप्सू रियासत होती थी, पटियाला महाराज का राज्य होता था, उस समय की ये मंडी है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर जीरो है। जब मंडी में बारिश आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, किसानों का अनाज खराब हो जाता है, बेचारे आड़ती परेशान होते हैं। यदि बरसात आ जाती है तो अपने स्तर पर जितने तिरपाल होते हैं उतने ढकने का हम प्रयास करते हैं, अदरवाइज आजकल की जो बारिश आती है वो आंधी तूफान के साथ आती है, तो तिरपाल भी नाकाफी है, वो भी उड़ जाते हैं, खूब दबाते हैं लेकिन फिर भी उड़ जाते हैं, तो वहाँ तो खराब होता ही है। सरकार हमें लिख के देती है आर्थिक जिम्मेवारी होगी, आर्थिक लेकिन आर्थिक कितना क्या करेगा, कितना अपना बचाएगा, किसान का बचाएगा, कितना करेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सुविधा तो है ही नहीं। बारिश में यदि अनाज भीजगा तो उसको खरीदेगा कौन, इसलिए किसान का न सरकार है न इसकी कोई मदद कर रहा है आज के दिन। हम वोट देना तो हमारा अधिकार समझते हैं, देंगे हमारा अधिकार का तो दुरुपयोग करता है, समय दर समय उसको भी भगवान देखता है। किसान की आवाज है, सरकार से पुनः मांग करते हैं, या तो आप झूठ मत बोलो, नहीं यदि कुछ कहते हो तो एक काम करो, यदि अब की बार अगले साल तक ये शेड नहीं लगा तो यहाँ के आड़ती लोग, यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ के किसान लोग बड़े आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हरियाणा न्यूज 24 आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं जो महेंद्रगढ़ जिले में, और महेंद्रगढ़ जिले की ये सतनाली अनाज मंडी है, और मंडी भी काफ़ी पुरानी, काफ़ी पहले बनाई गई थी, और जब जो बाकी मंडियाँ बनी हैं हरियाणा प्रदेश में, आप तस्वीरों में देखें, पहले तो मंडी के हम हालात दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो खरीद फरोख्त होती है हरियाणा में लगभग सभी मंडियों से टॉप मोस्ट मंडी रहती है ये सतनाली मंडी की, और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो ना के बराबर हैं। आप साफ देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बारिश आ जाती है, आज अभी मौसम ख़राब चल रहा है 2-3 दिन से, और कई जगह बारिश आ भी चुकी है, परंतु तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, यहाँ पे तो व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल चौपट है। अगर बारिश आ जाती है इस तरीके से तो यहाँ पर सारे गेहूँ जो सिरसम है यहाँ पर सारी यहाँ पानी में बह जाएगी, और इसके अलावा अगर यहाँ आड़तियों से बात करें, आड़तियों के पास भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ये भी बेचारे किसानों के साथ साथ ये भी भुखमरी के कागार पे आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी यहाँ पे जो अनाज खरीद रखा है किसानों से, और मेरे साथ यहाँ आज कई ग्रामीण मौजूद हैं, कई यहाँ पे आड़ती भी मेरे साथ उपस्थित हैं, इनसे भी प्रतिक्रिया जानेंगे, अगर बारिश आ जाती है तो इनके पास क्या समाधान है, किस तरीके से अनाज को बचा पाएंगे, अगर 2-4 कट्टे हों, 1,000 कट्टे हों तो व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन लाखों कट्टे गेहूँ सरसों के किस तरीके से व्यवस्था को संभालेंगे, इनके पास क्या ऑप्शन है, तो मेरे साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। तो मेरे साथ अभी कुछ यहाँ पर लोग हैं, सर आपसे जानूंगा, क्या नाम है जी? राजेश कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी, अगर बारिश आ जाती है इस तरीके से यहाँ पे अभी और हरियाणा में आज कई जगह बारिश आई है, तो आपकी मंडी में काफ़ी अनाज पड़ा है, तो क्या व्यवस्था है, किस तरीके से आप यहाँ पे? कोई टीन शेड नहीं है, 5 साल पहले शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि यहाँ घोषणा की थी मंडी के अंदर आगे टीन शेड जल्दी से जल्दी लगवाऊंगा, लेकिन उसका कोई अमलीजामा नहीं हुआ है, नहीं ही कोई टीन शेड लगा है। यदि बरसात आ जाती है तो अपने स्तर पर जितने तिरपाल होते हैं उतने ढकने का हम प्रयास करते हैं, अदरवाइज
आजकल की जो बारिश आती है वो आंधी तूफान के साथ आती है, तो तिरपाल भी नाकाफी है, वो भी उड़ जाते हैं, खूब दबाते हैं लेकिन फिर भी उड़ जाते हैं, तो माल तो खराब होता ही है। यानी कि अपने स्तर पे, अपने स्तर पे करते हैं, यानी कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, सरकार की तरफ से सरकार हमें लिख के देती है कि आड़ती की जिम्मेवारी होगी, आड़ती कितना क्या करेगा, कितना किस अपना बचाएगा, किसान का बचाएगा, कितना करेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सुविधा तो है ही नहीं, तो कितना क्या करेगा। हमारे साथ यहाँ सवाई सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं और काफ़ी राजनीति में सक्रिय रहे हैं पहले, अब थोड़ा सा ये स्लो है, लेकिन इससे जानेंगे। राठौड़ साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अभी मंडी की हालत देख रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, मौसम बहुत ख़राब है, और गुप्ता जी ने अभी बताया, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिए थे कि यहाँ पे सेट बन के तैयार हो जाएगी, परंतु उनके आश्वासन कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ पाए ना, यहाँ टीन सेट के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं है और अनाज खुले में पड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? देखिए लामा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मंडी है, ये आज़ादी से पहले जब यहाँ पेप्सू रियासत होती थी, पटियाला महाराज का राज्य होता था, उस समय की ये मंडी है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर जीरो है। जब मंडी में बारिश आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है, किसानों का अनाज खराब हो जाता है, बेचारे आड़ती परेशान होते हैं, और यहाँ पर ये यहाँ के लोग जो किसान लगा लो, आड़ती लगा लो, मजदूर वर्ग आशावादी लोग हैं, नेता यहाँ पर आके बड़ा आश्वासन दे जाते हैं, कभी चाहे सरकार किसी की हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ जीरो। आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, यहाँ पर गड्ढे हैं, नीचे अनाज पड़ा हुआ है, अब वो सड़ जाएगा, जब अनाज सड़ जाता है तो आपको पता है कितनी बड़ी बदबू आती है उसमें, बीमारियों का डरता है, पहले ये कोरोना की महामारी आई हुई है, तो हम सरकार से पुनः मांग करते हैं, या तो आप झूठ मत बोलो, नहीं यदि कुछ कहते हो तो एक काम करो, यदि अब की बार अगली साल तक ये सेट नहीं लगा तो यहाँ के आड़ती लोग, यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ के किसान लोग बड़े आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। राठौर साहब, सेट लगवाए कौन का, यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पे 10 बार आश्वासन दिया लोगों की भीड़ इकट्ठी करके, परंतु कहीं सेट नहीं बन पाया, उन्होंने सुविधाओं के नाम पर यहाँ पे धुंधना पकड़ा दिया लोगों को 5 साल में, अब वो यहाँ से हार चुके हैं, अब यहाँ पे विपक्ष के यहाँ पे कैंडिडेट जीते हुए, वो कहते हैं मेरी चलती नहीं है, तो फिर बनवाए तो कौन बनवाई आप? देखिए वो चलती नहीं है, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। अभी रामविलास जी ठीक है यहाँ से चुनाव आने, लेकिन सरकार तो उनकी है, रामविलास जी को काम करना चाहिए यहाँ पर। जब रामविलास 5 साल पहले नहीं बनवा सके, वो यहाँ पे शिक्षा मंत्री रहते हरियाणा के, गद्दावर नेता बीजेपी के, और अब हारने के बाद क्या लग रहा है, क्या वो बनवा पाएंगे या फिर उनकी मंशा नहीं है? जी जिम्मेवारी से ऐसे करने से जिम्मेवारी नहीं हटती। मैं तो ये कहता रामविलास जी को 2 नंबर पर आया है, पिछली बार उन्होंने सराखों पर बैठाया पब्लिक ने, यदि काम करवाते तो शायद अब की बार और सराखों पर बैठाती। मैं रामविलास जी से, राव दानसिंह जी से भी, या और अन्य भी जो चुनाव लड़े हैं, 3रा 4था 5वां नंबर जो आए, उनसे सभी से गुजारिश करता हूं कि इस मंडी को आबाद किया जाए, नहीं तो ये जनता, ये किसान उन नेताओं को बर्बाद करने में समय नहीं लगाएंगे। राठौर साहब, आपके पास भी लौटूंगा, सरपंच साहब मेरे साथ बने हैं, कुछ किसान भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे। गोठवाल साहब, आप भी बीजेपी के यहाँ पे मेरे ख्याल से SCCL के कुछ जिला अध्यक्ष क्या उपाध्यक्ष बना रखे हैं, तो आपकी क्या इसमें क्या है, क्या क्या कहेंगे इस बारे में? सर, हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर मंत्री जी आए थे, कृषि मंत्री जी, तो उनकी से बात हुई थी आड़ती होगी, वो उन्होंने 1 साल का नाम लिया, तो उन्होंने फिर कहा था कि अगर ये फाइल सैंक्शन हो चुकी है तो हम जल्द ही इसको 1 साल के अंदर बनवाने की कोशिश करें। कोठवाल साहब, 5 साल आपके मंत्री यहाँ पे शिक्षा मंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा जी, आप में कमी रही है या उनमें कमी रही है, यहाँ की जनता में कमी है, बन क्यों नहीं पाई, इतनी पावर होते हुए भी यहाँ पे 1-3 सेट नहीं लगवा सके लोगों के लिए, तो फिर क्या? देखो जी, ये तो सरकार की मनसा थी कुछ क्या करने की थी कि नहीं थी, पर शिक्षा मंत्री जी ने तो इस इलाके के लिए काम करने की कोशिश की थी, उनकी फाइलें आगे जाकर अटक जाती थी, वो तो देखो आगे की बात थी जी, फाइल आगे जाके अटक जाती थी। गोल साहब बताइए क्या कहेंगे, अभी हमारे यहाँ बीजेपी के अभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि कोशिश की थी शिक्षा मंत्री ने लेकिन फाइल आगे अटक जाती थी, क्या कहेंगे? नहीं लांबा साहब, ऐसी बात है, अगर मनसा अच्छी होती उनकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। रामविलास जी एक कदवर नेता है, कोई ये थोड़ी है, मतलब ये आज के पुराने नेता है, तो उन्होंने मतलब मन करके काम निकला सतनाली में, सतनाली एरिया में काम कराते तो मतलब आज चमन मिलता, इसी कारण खामजावाद भुगत रहे हैं, इसी कारण मतलब वो घर बैठे हैं। तो क्या लग रहा है पीछे जो यहाँ के जो कांग्रेस के नेता थे, क्या उन्होंने कुछ आपकी आशाओं पर कहीं ना कहीं वो करे उतर पाए? नहीं, पीछे दान सिंह जी थे, देखो ठीक है, उन्होंने मतलब काम कराए सतनाली एरिया में, तो हम उनको मानते हैं, भी अच्छे काम किए उन्होंने। क्या काम करवा दिया? तहसील का काम उन्होंने कराया, कॉलेज का काम उन्होंने कराया, आईटीआई का काम उन्होंने कराया, बस अड्डा काम उन्होंने कराया, तो देखो काम तो करवाए इन्होंने।
तो आपकी आशाओं पे कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जी खरे उतर पाए? नहीं पाए, नहीं उतर पाए, नहीं उतर पाए। ठीक है जी, मैं यहाँ पे सरपंच साहब आप भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे जानूंगा, आप एक गांव के नुमाइंदे भी हैं, सरपंच भी हैं, और यहाँ पे आप अनाज को जैसे खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं, किसान भी आते हैं, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहें? ये सर जी सतनाली मंडी लगभग यहाँ से 60 साल पुरानी मंडी है। हर बार कोई न कोई नेता आता है, झूठा आश्वासन दे के चला जाता है। हम ये नहीं कहते कि मंडी के अंदर टीन शेड का ये काम था। सतनाले का कोई विकास किसी भी सरकार आई हो, यहाँ विकास नहीं होता। सरकार का जो नुमाइंदा चुन के जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री तक, उसके मन में ये रहता है कि सतनाले गया न तेरी सरकार गई ने। एक तो ये तो मिथ्या खत्म हो चुकी है, वो तो खत्म हो चुकी, ये मिथ्या इनकी टूट चुकी है। अब उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई दोबारा यहाँ से कोई मंत्री आए तो मंडी के अंदर टीन शेड लगवाए और इसमें जो मूलभूत सुविधा है वो हमारे को मिले। दूसरी खरीद प्रोक्त वाली बात है, ये खरीद प्रोक्त वाला किसान को सरकार का ये काम पसंद नहीं आया। ये जहाँ तक खरीद प्रोक्त वाला काम है, इसमें ये टोकन सिस्टम लगा दिया, किसान दिन में 4 बार आता है यहाँ देखने के लिए। गोयल साहब मेरा नंबर आया या फोन पर, वहाँ मैसेज आता है। किसान एक गरीब हालात में होता है, सभी को मोबाइल में मैसेज देखना नहीं आता या करना नहीं आता या पढ़ना नहीं। सही कह रहे हैं आप ये बात हैं। इसमें ये था कि सरकार यदि हमारी मदद लेती पंचायत स्तर पर तो हम उसका भरपूर प्रयास करते सहयोग करने में। जैसे किसी गांव के 10 किसान का यहाँ अनाज मंडी में आना था तो वो 10 टोकन किसी सरपंच के पास दे देते तो हम उसके पास चौकीदार के माध्यम से उसको घर पहुंचा देते और मुनादी करवाते गांव में कि अन्य कोई किसान इस महामारी के चक्कर में मंडी में ना जाए। और वो किसान 2 दिन पहले वो टोकन मिलना चाहिए ताकि वो किसी मजदूर से अपना अनाज मंडी में डलवा सके या उसका प्रबंध भी कर सके। दूसरी, यहाँ अनाज लेके आके किसान सारी सारी रात यहाँ मंडी में सोए रहता है। जैसे ऊपर से बारिश आने का मौसम है, किसान को यहाँ रात को यदि फसल लेके आते हैं सुबह 8 तिलेगा तो उसमें कमी निकलेगी, क्योंकि बारिश में यदि अनाज भीजेगा तो उसको खरीदेगा कौन। इसलिए किसान का न सरकार है न इसकी कोई मदद कर रहा है आज के दिन में। एक दाना जब खेत से उगाते हैं धीरे धीरे उसको कमा के यहाँ लाता है और रात को भी उसको रुखाड़ी करनी पड़ती है यहाँ। इसलिए किसान को माल जाते ही जब खरीदेगा आड़ती जब अच्छा माल होगा, अच्छा माल लेके आता है किसान पर, मंडी में सरकार की वजह से माल बर्बाद हो जाता है जिससे किसान को ही वापस मार झेलनी पड़ती है क्योंकि उसमें से कोई काटा काट लेता है या कोई न कोई और दिक्कत आती है। दूसरा, यहाँ से मार्केट से माल उठ के वहाँ जाता है तो वहाँ भी आड़ती भाई से ये मेरे सारे परेशान हैं। 4-4, 5-5 दिन से हमारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई से, वहाँ न खाने के लिए व्यवस्था रोटियों की, किसी को रहने की व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ होटल और छोटी मोटी जो दुकान है वो भी बंद है। हमारा ये ड्राइवर है 5 दिन से आया है, 5 दिन से वहाँ गेहूं की गाड़ी नहीं उतारी। ये हमारे साथ थी आड़ती भाई से, इनकी भी गाड़ी साथ थी तो वहाँ भी कोई व्यवस्था को नहीं। 5 दिन गाड़ी खड़ी रही है। हाँ, 5 दिन खड़ी रही है जी। मेरे साथ बने रही है राठौर साहब, मैं अभी आपके पास आता हूँ। गोयल साहब, मैं आपसे एक बात जानूँ, 1952 में ये मंडी बनी थी पर तो अब तक ये मंडी का कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाया। आज अगर बारिश आ जाती आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा अनाज पानी में बह जाएगा और यहाँ पे सरकारें आती और चली जाती है, नेताजी आते हैं यहाँ भाषण देके चले जाते हैं, पीछे राव दान सिंह भी यहाँ रहे हैं परंतु मंडी की सोच तो उन्होंने भी नहीं ली, बाकी कुछ काम उन्होंने ज़रूर करवाए हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा रहे हैं, यहाँ पे कई बार मंडी में आए, यहाँ पे निरीक्षण भी किया, उन्होंने वादे भी किए लेकिन कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतर पाए, तो कहाँ मामला अटक गया, मतलब क्या बात है, मतलब क्या? सबसे बड़ी बात तो लंबा साहब ये है, मंडी बोर्ड में मेंबर चुने जाते हैं तो जो भी सरकार होती है वो मंडी से मेंबर लेने चाहिए, समस्या वही जानते हैं, उनको लेना चाहिए, उनकी बजाय पैरासूट से जो भी मनवाए उसको मेंबर बना देते हैं, जिनको कि मंडी के बारे में कोई समस्या का पता ही नहीं, क्या समस्या है क्या नहीं है, उनको बना देते हैं तो 5 साल तक कोई भी काम धरातल पर नहीं हो पाता। इसकी बजाय यदि मंडी से लिए जाए आड़ती तो बहुत अपनी बोर्ड तक पहुँचाएँ और बोर्ड तक पहुँचाएँ तो काम धरातल पर आए नज़र आए। सबसे एक मेन तो ये है, चेयरमैन होता है अभी सरपंच साहब, चलो ये बात आपकी, अभी सरपंच साहब ने जो बात बताई, आपके पास लोग आते हैं दिन में 10 बार चक्कर लगाते हैं, मेरा नंबर आया तो कहीं ना कहीं सरकार अब भी किसानों को प्रताड़ित कर रही है। अब नंबर आने का मतलब बार बार यहाँ पे किसान आएगा, अब महामारी है कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में वो भी आ सकते हैं, तो क्या समाधान आपके पास, मतलब क्या क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये फार्मर को ये
बताया जाए कि आपका इतना माड़ा इतनी फलाने दिन धुलेगा, पहले से इन्फॉर्मेशन कर दी जाए तो वो उसी दिन आ जाए, उतना माड़ लेके आ जाए। अब वो ट्रली भर के लेके आता है 70 क्विंटल की, यहाँ टोकन निकलता है उसका 50 क्विंटल का, अब वो 20 क्विंटल उठा के ले जाए या उसका क्या करे, उस माड़ को उसकी को समस्या समाधान है, या उसको हाथ के हाथ 20 क्विंटल का एडजस्ट किया जाए, वो टोकन काटा जाए ताकि वो एडजस्ट हो जाए, वो 20 क्विंटल को उठा के नहीं ले जा सकता, आठ दिन उसको रख नहीं सकता क्योंकि 20 क्विंटल करेगा क्या, उसकी पेमेंट तो आएगी 50 क्विंटल की, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा किसान भी परेशान है। पिछली बार जो मंडी आपकी कितना आवाक यहाँ पे हुई थी, कितनी क्या बेस्ट रही थी बांधवगढ़ जिले में? जी पिछली बार हमारी मंडी बेस्ट रही थी, करीब 4.5-5 लाख बैग हमारे पास यहाँ आए थे, और इस बार जिस स्थिति में चल रही है उस समय 1 लाख बैग गेहूँ के आने बहुत मुश्किल है। मतलब क्यों, कहाँ टिकेंगे, मैं लोग आना नहीं चाहते? दोनों बातें होगी, नंबर एक बात तो टोकन की वजह से होगा, दूसरी बात क्या होगी कि एक मंडी यहाँ सीमित कर दी गई कि भाई ये खाली 20 गांव ही मंडी में रहेंगे, उसके अलावा जैसे हमारे दादरी डिस्ट्रिक्ट पास पड़ता था वहाँ मंडी दूर थी, वो माल भी हमारे पास आता था, भिवानी की भी मंडियाँ दूर थी तो भिवानी का माल भी आता था, इस बार वो इंटर डिस्ट्रिक्ट माल कोई नहीं आ रहा, एक नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है लोगों ने परेशान होकर नंबर एक बार देख के जो अपना स्टोर कर लिया, नहीं बेच दिया, यानी कि बेच भी दिया स्टोर भी, हाँ जी बेच दिया, जो गांव में जो खरीदते घूमते हैं उनको बेच दिया। थैंक यू साहब। राठौर साहब, विकट समस्या है, अभी सरकार कुछ किसानों की तरफ देख नहीं है, अभी सरपंच ने बताया जब से अनाज उगाना शुरू करते हैं किसान बहुत दुखी होता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा रवैया उनका नेगेटिव होता है, और आज अभी मौसम ख़राब है, जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे इनके पास कह रहे हैं कि हम अपने त्रिपाल लेके आते हैं, और वो भी थोड़ा बहुत ही त्रिपाल भी नहीं हमारे पास, तो आड़ भी मार में आ रहे हैं यहाँ किसान भी, और किसान आना नहीं चाहते, अपने गाँव में औने पौने दामों में अपना रेट में बेच रहे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो अपना स्टॉक कर लिया, तो क्या कहेंगे जी? लंबा साहब, किसान के दौर ही मार है, किसान ने खेत से माल निकाला उसका यहाँ पर नंबर नहीं आया, जैसे अभी गुप्ता जी ने बताया नंबर नहीं आया, उसको घर डालता है, फिर बेचारा किराया के साधन लेके यहाँ आता है, दोहरी मार है। यहाँ पर अभी मैं 2-3 किसानों से मिला था, वो भी अपने नंबर के इंतजार में था, उनका नंबर आज तक नहीं आया, और मैं दूसरे का क्या, तो मेरा खुद का नंबर भी आज तक नहीं आया, मैं भी नंबर ही पूछने के लिए आया था, तो किसान के दोहरी मार है, एक तो ऊपर से भगवान मार मार रहा है, दूसरी सरकार मार मार रही है किसानों के ऊपर, तो क्या क्या करे किसान, बेचारा कहाँ जाए किसान, परमात्मा के भरोसे ही मंडी, तो सुविधा नाम की यहाँ पर जीरो, लंबा सा पता आपको 6-7 साल से मंडी लग रही है, नेता आते हैं आश्वासन दे जाते हैं, और विकास के नाम पर आपको सब मालूम है, विकास के नाम पर, सही बात है जी। क्या कहेंगे आप भी यहाँ मंडी में रहते हैं? हाँ जी, तो किसानों का समस्या अभी सभी लोग बता चुके हैं, तो सारी हैं जी, टाइम पे टोकन भी नहीं कटते हैं, शाम को 10-11 बजे उनके पास मैसेज पहुंचता है, वो सुबह ऐसे तैसे करके आते हैं, साधन भी नहीं मिलता, फिर फालतू माल आ जाता है, उसको कहाँ उतारें, वापिस ले जाना पड़ता है, तो समस्या तो है ही जमींदार को, तो न कोई वो सुविधा है कि भाई बरसात आ गई तो कोई तिरपाल सरकार ने दे रखा है, कुछ भी नहीं है, न टीन शेड है, समस्या तो आपके आगे ही है सारी। गोयल साहब, 5 साल यहाँ पे मंत्री जी ने यहाँ पे निकाल दिया अपने, परंतु कहीं ना कहीं किसान एक ऐसी चीज़ होती है, उनको सबसे पहले किसान को मतलब प्रमुखता देनी चाहिए, तीन सेट बनवानी चाहिए या त्रिपाल देने चाहिए थे, और बहुत बिकट समस्या है, अभी बरसात कभी भी हो सकती है, तो वोट फिर भी आप बार बार दे देते हैं, तो वजह क्या, क्यों? वोट तो देने ही पड़ेंगे लामा साहब, किसी न किसी पार्टी को देने ही पड़ेंगे, एक बार रामलाल शर्मा दे दें उससे नाराज हो गए, दान सिंह को दे दिए बात तो वही रह गई, काम तो कोई करता नहीं, वोट तो देने ही है, किसी एक आदमी को तो वोट देने पड़ेंगे, किसी पार्टी को तो वोट देने पड़ेंगे, लेकिन लेकिन वोट देना तो अधिकार है। हाँ जी हाँ जी लामा साहब, वोट देना हमारा अधिकार है, इसलिए हम वोट देना तो हमारा अधिकार समझते हैं, देंगे हमारा अधिकार का जो दुरुपयोग करता है समय दर समय उसको भी भगवान देखता है। किसान की आवाज़ है। गोयल साहब, आपके पास भी लौटूंगा, अभी राठौर साहब, 5 साल आश्वासन मिलते रहे, अभी आड़ती होकर भी काफ़ी मतलब वो थी, हाँ हमारा टीन सेट बनेगा, हमारी मंडी का डेवलपमेंट होगा, अब यहाँ पे 0% है, अब बरसात जैसी आती है तो आप बता रहे थे यहाँ नीचे भी पानी भर जाता है और सारा अनाज बह जाएगा, तो लॉस आड़तियों को और किसानों का होगा जो भी होगा, तो क्या कहेंगे, ये मतलब गुमराह पब्लिक होती है बार बार? नमस्ते, बिल्कुल गुमराह होती है, मैं तो ये कोरोना की जो बीमारी है इसने निपटने के बाद मैं मोदी जी से एक मांग करता हूँ कि कोई भी नेता कोई भी पार्टी जो वादा करे वो बिल्कुल पूरा करे, नहीं तो उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नेता झूठ बोल देते हैं, मैं आपकी बार ये करवा दूँ, आपकी बार वो करवा दूँ,
आसमान के तारे तोड़कर आपको ला दूंगा जनता को, लेकिन होता कुछ नहीं। लंबा साहब, ऐसी एक देश के अंदर कानून बनने चाहिए कि कोई भी नेता वादा करके जाए वो काम पूरा होना चाहिए, यदि वो नहीं काम पूरा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ऐसी हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं। सही है जी। तो गोयल साहब हमारे साथ खड़े हैं। गोयल साहब, मैं आपसे भी लास्ट में जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे? काफ़ी बिगड़ समस्या है अभी पूरी, यहाँ आड़ती भी हैं, किसान भी मौजूद है, क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से कि तो सबसे पहले तो प्लॉट है इनकी अलाटमेंट करनी चाहिए, उसके बाद करके टीन सेट डालना चाहिए, यही मेरी मतलब सरकार से है, वही जरूरी है मतलब। तो हमारे साथ यहाँ कुछ कोई किसान भी बने हुए, उनसे भी जानते हैं। भैया क्या नाम? मेरा संदीप नाम है जी। संदीप जी, क्या कहेंगे, काफ़ी बिगट समस्या है, बरसात आने वाली है, क्या कहूँ? मेरी कल शाम की सिरसम पड़ी है जी, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आज दिन में तीन बार बरसात आ ली, कल शाम में बरसात आई थी। बस ये सेठ लोग हैं, ये बोलते हैं भाई आली सिरसम नमी हो गई, इसको लेंगे नमी। अब पूरा दिन हो गया इसको सुखाते, अब बताओ हम क्या करें, कल शाम के पड़े हैं। अब बरसात दोबारा आने वाली है, अब मौसम फिर खराब है, नहीं कोई व्यवस्था है, बताओ क्या करें। कितनी सिरसम? मेरी है जी 7 क्विंटल। 7 क्विंटल सिरसम है, तीन बार भीग चुकी, अभी बरसात दोबारा आने वाली है, तो कहीं ना कहीं समस्या आपको बनी हुई है। अभी बरसात दोबारा आ जाती है तो फिर सुखानी पड़ेगी, फिर सुखानी पड़ेगी, क्या इलाज है? यानी कि नमी आ जाएगी तो फिर आड़ती लेंगे? आड़ती लेंगे नहीं। तो यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। सब ने कहा है कि 1952 में यहाँ पे पेप्सो के ज़माने में ये मंडी बनाई गई थी, लेकिन किसी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज यहाँ पे किसान और आड़ती दो राह पे खड़े हैं। अगर बरसात हर बार आती है और ये नुकसान उठा के बेचारे चुपचाप बैठे रह जाते हैं। पिछली 5 साल यहाँ शिक्षा मंत्री रहे, कहने के ये सारे आहत भी ही दुखी भी हैं। उन्होंने 10 बार आश्वासन दिया था कि यहाँ पर स्टेन सेट बनाई जाएगी, और यहाँ पर आते भी थे और लोगों को वादा करके जाते थे। 5 साल उनकी यहाँ पर निकल गई बड़ी आराम से, परंतु उन्हें इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना टीन शेड बनाई और ना यहाँ राव दानसी ने इस बारे में सोचा। उन्होंने बस अड्डा जरूर बनवाया, वहाँ पे कई चीज़ें जरूर करवाई, लेकिन किसानों के बारे में उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे मेरे साथ सवाई सिंह राठौड़ है, उनका भी कहीं ना कहीं वाजिब है कहना, यहाँ पे नेताओं का जो वादा करते हैं उन पर केस दर्ज होना चाहिए। अगर वो काम पूरे नहीं होते तो इनकी वास्तव में ही उन नेताओं पर केस दर्ज होने चाहिए जो वादा करके जाते हैं, उनकी वो कहीं ना कहीं वो मुहिम पूरी नहीं होती। जो विकास कार्य जो बोलते हैं अगर हम ये करवा देंगे, उसके बाद 5 साल आराम से अपनी कुर्सी हथिया लेते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं, तो उन नेताओं पर भी स्टिक से स्टिक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सतरानी मंडी 1952 में जो बनाई गई थी, जल्दी जल्दी कोई भी यहाँ पे अगर नेता हो या फिर विपक्ष का नेता हो, सभी ने मिलकर यहाँ पे टीन सेड डलवानी चाहिए और यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।